यहाँ पे पीने वाला पानी है? तो उन्होंने कहा नहीं है। जब मैं उन्हें पूछा कि स्वच्छ भारत में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि टॉयलेट दे दिए हैं, आपके पास टॉयलेट है? तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ टॉयलेट नहीं है। जब मैंने पूछा कि आपको गैस और सिलेंडर मिला है, तो उन्होंने कहा नहीं मिला है। जब मैंने पूछा आपको नरेगा में काम मिलता है, तो ये कहा कि एक महीने में, कभी कभी किसी किसी महीने में 4 और 5 दिन मिलता है। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके यहां के मुख्यमंत्री को कि बड़ी बड़ी बातें स्टेज के ऊपर करते हैं आप भी और आपके प्रधानमंत्री जी भी, ये जो लोग हैं त्रिपुरा के गरीब लोग, जनजाति के लोग, गांव में रहने वाले लोग, इनको सुविधाएं कौन देगा? अदानी देगा कि अंबानी देगा? सरकार ने देनी है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो लेकिन लोगों के पास पीने का पानी ना हो शर्म की बात है, लोगों के पास टॉयलेट ना हो शर्म की बात है, लोगों के पास गैस चूल्हा ना हो, नरेगा ना मिलती हो, और इससे अलावा फूड सिक्योरिटी में राशन कार्ड भी ना हो, उनके पास राशन कार्ड भी नहीं था। ऐसे ऐसे परिवार, ऐसे लोग गांव में जिनकी कोई सुध नहीं रहता, जिनके बारे में कोई नहीं सोचता, और यहां शहर में बैठ के मैं देख रहा था कि जब मुख्यमंत्री निवास के सामने से निकले तो मुख्यमंत्री निवास के बाहर बहुत बड़े बड़े लेवल पे जगमगा रहा था, उसके निवास के बाहर बहुत बड़ा जो सजावट हो रखी थी। तो ये मुख्यमंत्री साहब, मैं यहां से कहना चाहता हूं कि ये विप्लव देव की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों की सरकार कांग्रेस की सरकार आएगी। ये पूंजीपतियों की सरकार को हटा के गरीबों की सरकार कांग्रेस लेके आएगी और आप लेके आओगे। आज की इस रैली के बाद एक एक घर में, एक एक गांव में, एक एक ब्लॉक में, एक एक जिला में कांग्रेस कार्यकर्ता देश का और कांग्रेस का तिरंगा झंडा लेके इस बीजेपी को 2023 में बाहर निकालने के लिए आज से मुहूर्त बना देगा। आज से यहां से शुरुआत होगी। और विप्लव देव जी, आप जहां से आए थे अमित शाह और मोदी के पास से, ये त्रिपुरा के लोगों को आपने बेवकूफ बनाया है, इनके साथ धोखा किया है, इनके साथ बड़े बड़े वादे करके आपने इनको, इनके साथ वादा खिलाफी की है, धोखा किया है। ये त्रिपुरा के लोग आपको माफ नहीं करेंगे, आपको उसी तरह पैक करके वापस दिल्ली और नागपुर भेज देंगे।